हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.6 करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 5.3, 5.4, 5.5 जो मैंने आपको होमवर्क दी है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो करना आपको नोटबुक में है। तो आप टेक्स्ट बुक में करके मुझे मत भेजिए उसका क्लिक करके पिक्चर, आप नोटबुक में इसको करिए। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ये है क्या। ये दो बेसिस पे होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बेस्ड ऑन साइड्स, ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलीस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। एंड बेस्ड ऑन एंगल्स भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये होते क्या है पहले देख लेते हैं। इन शॉर्ट पहले मैं बता देती हूँ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उसकी सारी साइड्स जो होती है, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड होती है इस तरह से, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है, इक्वल मेजर की होती है। आइसोसेलीस में 2 साइड इक्वल मेजर की होती है, कोई भी 2 साइड इक्वल होगी। और स्केलिन ट्रायंगल में तीनों ही डिफरेंट होती है, कोई भी आपस में सेम नहीं होती है। तो तीनों सेम, 2 साइड सेम, साइड्स की बात कर रहे हैं इसलिए, और स्केलिन में तीनों ही साइड्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। एंगल्स में क्या होता है कि एक्यूट एंगल्स एंगल ट्राइंगल, मतलब आपके जो ट्राइंगल है उसके तीनों ही एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल, तीन में से ये तीन एंगल जो बनते हैं उनमें से कोई भी एक एंगल राइट एंगल होगा, यानी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा यानी जैसे इस तरह का फिगर होगा, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ, देख लीजिएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया कि क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का इस बेसिस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन साइड्स एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। और इस तरह से 3-3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ए ट्रायंगल विथ 3 इक्वल साइड्स। ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल भी 60 के होते हैं। फिर दूसरा आइसोसेलीस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग 2 इक्वल साइड्स, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ये इक्वल को दिखाने के लिए ऐसे लाइन किया हुआ है, ये वाला 2 साइड इक्वल होती है, तीसरी डिफरेंट होती है। इसमें कैसा होता है, अगर ये 2 इक्वल है तो ये बेस एंगल भी इक्वल होते हैं आपस में। अगर आइसोसेलीस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होंगे तो उसके बेस एंगल जो ये दोनों एंगल होते हैं वो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ये तीसरा स्केलिन ट्रायंगल, ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स, यानी तीनों साइड्स में आपस में कोई लिंक नहीं है। ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सब अलग अलग होगी। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन ईच इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री, हर एक एंगल जो है वो लेस देन 90, जैसे एक 60 का हो गया, एक 70 का हो गया, एक 50 का हो गया, ये तीनों ही 90 से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक, तीनों तो नहीं हो सकते क्योंकि तीनों का मेजर 180 होता है, वो हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तीनों में से कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है। इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। लास्ट टाइप का ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल, जैसे राइट में एक एंगल 90 का होता है, सही ऑब्ट्यूज में कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा होता है, जैसे ये 120 है, इस तरह से एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसकी जो 5.6 एक्सरसाइज है वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में समझाऊंगी, जो कि आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर के साथ लिखनी है, आपको बुक में करके नहीं भेजना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 5.6। इसका पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल, ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ऑफ एंड 9 सेंटीमीटर, यानी ट्रायंगल की साइड्स जो है तीनों अलग अलग दी हुई है। तो जब तीनों अलग अलग होती है तो उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल, जो अभी हमने पढ़ा, 3 साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलीस, एंड तीनों अलग अलग है तो स्केलिन ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा है ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू 8.7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ए बी, ए सी और बी सी, अगर आप सब देखेंगे ये 6 है, ये 7 है, ये 8.7 है, वापस तीनों साइड अलग अलग है, तो ये वापस कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर सच देट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी आर, यानी तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड का मेजर 5 सेंटीमीटर ईच है। जब तीनों साइड इक्वल होती है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, यानी तीनों साइड इसकी इक्वल है, तो इसको इक्वीलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल डी ई एफ
विथ मेजर एंगल डी 90, यानी कोई एक एंगल 90 है, यानी वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड विथ मेजर एंगल वाई 90 और एक्स वाई इक्वल्स टू वाई जेड है। एक्स वाई और वाई जेड दो साइड इक्वल हैं और एंगल एक एंगल 90 है, तो दो साइड इक्वल होने से ये आइसोसीलीस हो गया और एक एंगल 90 होने से ये राइट एंगल हो गया। तो इसका पूरा नाम होगा आइसोसीलीस। दो चीज़ें दी है, साइड भी दी है और एंगल भी दी है, तो दोनों नाम लिखेंगे आइसोसीलीस राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एल एम एन विथ एल 30, एम 70 एंड एन 80। ये तीनों एंगल देखेंगे तो ये 90 से छोटे हैं, तीनों एंगल का मेजर 90 से कम है हर एक का, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन पहले समझाई है सिक्स टाइप के ट्राइंगल की, वो पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, मेज द फॉलोइंग थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइसोसीलीस ट्राइंगल। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ स्केलिन ट्राइंगल। थ्री एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वन राइट एंगल ट्राइंगल। वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। वन राइट एंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो आइसोसीलीस प्लस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें दोनों नाम आएगा, एक तो राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और दो साइड इक्वल है तो आइसोसीलीस हो गया। तो ये मैच द फॉलोइंग है जो मैंने यहाँ किया है, लेकिन ये आपको नोटबुक में सब करना है। तीसरा है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज मैंने डबल नाम आएंगे क्योंकि साइड्स और एंगल दोनों दिया हुआ है। जस्ट द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से करना है क्योंकि यहाँ पे मेजर तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे मेजर दिया है तीन साइड का, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कैसा है कि दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और एंगल सारे एक्यूट हैं, सारे 90 से छोटे हैं, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? एक तो दो साइड इक्वल है तो आइसोसीलीस हो गया और तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल हो गया। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं आइसोसीलीस एक्यूट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट एंगल्ड आइसोसीलीस ट्राइंगल, दोनों ही चलता है। ये पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में, और ये बाद में, ये पहले और ये बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपको जो इसमें नाम लिखना है वो एंगल और साइड दोनों बेसिस पे लिखना है। तो एंगल के हिसाब से ये तीनों एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल्ड और दो साइड इक्वल है तो आइसोसीलीस ट्राइंगल। इसमें देखेंगे तो एक एंगल 90 है यानी ये राइट एंगल हो गया, फिर ये 15, 17 और 9 है, 8 है, यानी तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये स्केलिन हो गया, तो राइट एंगल्ड स्केलिन ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एंड स्केलिन ट्राइंगल हो गया ये सेकेंड वाला। फिर थर्ड में एक एंगल 90 से बड़ा है, अगर 90 होता तो यहाँ होता, अब ये 90 से भी बाहर निकल रहा है यानी ऑब्ट्यूज हो गया और उसमें दो साइड इक्वल दी हुई है यानी आइसोसीलीस हो गया, तो एक्यूट एंगल्ड आइसोसीलीस ट्राइंगल, ये अच्छे से समझिए। फिर एक राइट एंगल है और दो साइड इक्वल है यानी राइट एंगल्ड आइसोसीलीस हो गया, इसमें तीनों साइड इक्वल है यानी इक्विलेटरल एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल तो है ही और हर एक एंगल 60 होता है, जब ये इक्विलेटरल होता है तो उसका एंगल का मेजर सेम होता है और हर एक एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। फिर नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 से बड़ा है, 90 यहाँ आता और ये बाहर जा रहा है उससे, तो ये 90 से बड़ा है प्लस ये तीनों मेजर अलग लेंगे तो स्केलिन हो गया, तो आप ऑब्ट्यूज स्केलिंग ऑब्ट्यूज एंगल्ड स्केलिन ट्राइंगल। तो आपको आप एंगल वाला नाम पहले या साइड वाला नाम पहले कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी है। अगर ये टेबल आपने लर्न कर लिया कि थ्री साइड्स वाला इक्विलेटरल होता है, टू साइड्स वाला आइसोसीलीस होता है, ऑल डिफरेंट साइड्स वाला स्केलिन होता है, एक राइट एंगल्ड होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से बड़ा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड होता है और तीन एक्यूट वाले एक्यूट एंगल होते हैं, तो उन दोनों को देखते हुए आपको साइड और एंगल को देखते हुए उसका नाम देना होता है। बहुत ईजी है, ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स, सम आर ड्रॉन हियर। ये मैच स्टिक से बनाया हुआ है, ये एक मैच स्टिक 2, 3, 4, 5 से बनाया है, ये 9 मैच स्टिक से बनाया है, ये अंदर वाला 3 से बना है और बाहर वाला 6 से बना है। अब ये बोल रहे हैं कैन यू मेक अ ट्राइंगल विथ 3 मैच स्टिक्स, या यहाँ आपके सामने है ये 3 से बना हुआ है, यस। और इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा? तीनों साइड इक्वल होगी क्योंकि मैच स्टिक 3 यूज हो रही है और तीनों साइड में लग रही है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। दूसरा है 4 मैच स्टिक्स। अब 4 मैच स्टिक्स अगर आप लगाएंगे तो ये यहाँ यहाँ ये इसको मैच नहीं कर सकते आप ऐसे, दो नीचे तो दो ले लेंगे पर ये आप अगर मैच करने जाएंगे तो कभी भी देखना वो मैच नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि अगर हम 4 मैच स्टिक्स में ऐसा होगा, ये 1, ये 2 और ये 4, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स, इन दो साइड्स का सम करें तो 2 और 1 3,
शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए। अब इन दोनों का अगर सम करें तो ग्रेटर नहीं होता है, वो इक्वल होता है। इन दोनों का सम किया तो 3 ग्रेटर है 1 से, फिर इन दोनों का किया तो भी 3 ग्रेटर है 1 से, लेकिन अगर इन दोनों साइड्स का सम किया तो ये 2 है और ये भी 2 है, इक्वल या लेस नहीं होना चाहिए। तो सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड होना चाहिए, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है। इसलिए 4 मैचस्टिक से पॉसिबल नहीं है। 5 मैचस्टिक्स यस, क्योंकि 2 साइड इक्वल होगी 5 में, 2 इधर 2 इधर और 1 नीचे, तो ये आइसोसीलीस ट्राइंगल बनेगा क्योंकि 2 साइड इक्वल आएगी। 6 मैचस्टिक्स भी ये रहे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, यस होगा। तो यहाँ पे लिखा है रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैचस्टिक्स इट्स इन ईच केस, तो हमने यूज करके ही बताया है। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, तो ये नेम भी बता दिया, और जिसमें फॉर इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीजन, तो ये हमने रीजन भी लिख दिया है। ये क्वेश्चन था, उसका ये आंसर है। ये ट्राइंगल का आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना है, इसके बाद जो शुरू होगा वो क्वाड्रिलेटरल शुरू होगा। तो ट्राइंगल तक की सारी टाइप्स और उसके एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, 3 एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती है और टाइप्स क्या होते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 5.6, ये पूरा 5.6 मैंने समझाया जो आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू।